हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल कंसेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों, आपको पता होगा मैं रेगुलरली जो सिविल इंजीनियर के लिए बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है, कोई भी यूजफुल टेक्नोलॉजी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड, तो जरूर मैं दोस्तों वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करूंगा कि सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करके जाने होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन जो है नॉर्मली जनरली पूछे जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड का। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, जो इधर साइट इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, कोई भी गवर्नमेंट इंटरव्यू हो, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर कैसे देना है, ये सारी चीजें दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह के जो वीडियो है वो रेगुलरली मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो है व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम सिविल इंजीनियर। आपको सिविल इंजीनियर बनने की मतलब क्या, मतलब कौन सी किस चीज ने आपको इंस्पायर्ड किया, ठीक है, कि आप सिविल इंजीनियर बने। तो आपको आंसर ऐसे देना है कि आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, साइंस एंड चैलेंजेस इन बिल्डिंग एंड डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर दैट इंप्रूव पीपल्स लाइफ, राइट। व्हेन आई लर्न अबाउट द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियर, इट्स इंपैक्ट ऑन बिल्ड एनवायरमेंट एंड आई न्यू दैट इट इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर मी, राइट। इस तरह से आपको आंसर देना है कि मुझे जो कि मैथमेटिक्स, साइंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट था और बिल्डिंग डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, और जब मैंने सिविल इंजीनियर के बारे में पढ़ा कि सिविल इंजीनियर बहुत अच्छी फील्ड है, तो मैं इस फील्ड के अंदर अपने करियर बनाने की मैंने अपने सोचा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू कंसीडर टू बी योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एज अ सिविल इंजीनियर। आपकी कौन सी जो स्ट्रेंथ है वो आपको पसंद आती है एज अ सिविल इंजीनियर। तो आपको आंसर कैसे देना है, आई बिलीव माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी सिविल इंजीनियर फील्ड की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेरी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। आई एम ऑल्सो वेरी डिटेल ऑर्गेनाइज ओरिएंटेड एंड आई हैव एक्सीलेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, मैं बहुत अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल है which help me to ensure the project are completed on time within the budget, ठीक है। ऐसे आंसर आप दोगे तो बहुत अच्छे से आप जो है इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। मतलब क्या हुआ कि मैं डिटेल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल मेरी बहुत अच्छी है, जो प्रोजेक्ट को टाइम पर और विद बजट, मतलब जो बजट है उसके अंदर पूरी करने की क्षमता रखता हूँ, ठीक है, इसीलिए मुझे जो है ये जो है मेरी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर आप पूछा जाएगा, कैन यू डिस्क्राइब अ चैलेंजेस प्रोजेक्ट यू हैव वर्क ऑन एंड हाउ टू ओवरकम एनी डिफिकल्टी। आप कुछ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकती है प्रोजेक्ट के बारे में जो आपने फेस की है और उस फेस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आई वर्क ऑन द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज ब्रिज ओवर अ रिवर, द बिगेस्ट चैलेंज आई वाज द फील्ड इन वाज टू राइट बैलेंस बिटवीन द एस्थेटिक फंक्शनलिटी एंड कॉस्ट, राइट। मतलब जो उसका बाहर से दिखावा है, उसका जो फंक्शन है, कॉस्ट, ये तीन चीजें हमें मैनेज करनी थी, ठीक है। आई वर्क फॉर क्लोजली विद इन द टीम इंजीनियर्स एंड स्टेक होल्डर टू इवैल्यूएट डिफरेंट ऑप्शन, इवेंचुअली वी केम अप विद द सॉल्यूशन दैट बोथ एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे हमने फाइंड किया, ठीक है। तो ये आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, मैंने अपना ब्रिज कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस जो है इसके अंदर ऐड किया है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट फील्ड ऑफ सिविल। आप कैसे अपडेट रखते हो अपने आप को, आई स्टे अपडेटेड रेगुलरली अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप, राइट, ऐसी कुछ चीजें आप इसके अंदर बता सकते हो। कैन यू डिस्कस द टाइम व्हेन यू हैड मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन इन वर्क एज अ सिविल इंजीनियर। आपने कौन से टाइम पे एक डिफिकल्ट डिसीजन लिया था, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। वंस अ टाइम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट वेयर बजट वॉज वेरी टाइट, we had to make decision between the more expensive material that would provide better durability or less expensive material that have shorter lifespan, ठीक है, ये मेरा एक चैलेंज था। तो after weighing the pros and cons, I recommended to more expensive material that would be long term saving and ensure the safety and longevity of the project, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम थी कि ये देखिए हमारे पास दो मटेरियल थे, जिसमें एक चीप था जिसकी लाइफ टाइम कम थी, एक महंगा था जिसके लाइफ टाइम अच्छा था, तो हमने लाइफ जिसकी लाइफ टाइम अच्छी थी उसको हमने चूज किया। तो ऐसे आंसर आपको देने हैं, ठीक है। हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, देखिए ये थोड़ा अभी फील्ड का क्वेश्चन आ गया। वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट कैसे आप मेजर करोगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मेजर आप कैसे करोगे, तो सिंपल आपको आंसर क्या देना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। फॉर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय लेंथ, विड्थ एंड हाइट, एंड फोर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड यूजिंग पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट कैसे कैलकुलेट होगा, लेंथ, विड्थ और थिकनेस को मल्टीप्लाइड करिए। सपोज 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का कोई क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब। इसी तरह से आपको स्लैब का क्या होगा, लेंथ, विड्थ और थिकनेस मल्टीप्लाई करेंगे,
तो आपको इसका स्लैब का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर देना है, व्हाई कवर कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड फॉर रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट में कंक्रीट कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसका आंसर आपको क्या देना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या देना है कि व्हाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू द रेनफोर्समेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द स्टील बार एंड मेश फ्रॉम कोरोजन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डैमेज, ठीक है। कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है कि कोरोजन से बचाने के लिए, जो रेनफोर्समेंट है स्टील है उसे कोरोजन से बचाने के लिए हमें कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया जाता है। रेनफोर्समेंट सच एज स्टील बार मेश इज यूज्ड इन कंक्रीट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ हेल्प टू कंक्रीट द रेजिस्टेंस द एक्सटर्नल फोर्स, हाउएवर एक्सपोजर टू एक्सटर्नल फैक्टर सच एज मॉइस्चर सॉल्ट केमिकल कैन कोज द स्टील टू कोरोड एंड वीकन ओवर द टाइम विच कॉम्प्रोमाइज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेबिल एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, इस वजह से हमें कॉन्क्रीट कवर प्रोवाइड करना है, ऐसे आपको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं लेवल चेक करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो आपको आंसर देना है स्पिरिट लेवल इज कॉमनली यूज टू चेक द लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट इन कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब लिक्विड एंड एयर बबल्स, राइट। ट्यूब इज माउंटेड ऑन अ स्ट्रेट एज एंड बबल शुड बी सेंटर्ड इंडिकेट द लेवल इज सरफेस, मतलब बबल अगर सेंटर में हो तो हमारा लेवल सही है, राइट। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज दी एक्यूरेसी ऑफ डंपी लेवल, डंपी लेवल की एक्यूरेसी कितनी है वो आपको बताना है। तो 5 mm तक, देखिए उसका स्टाफ जो है 5 mm तक एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है, अगर लेवल सर्वे कर रहे हैं तो ये 5 mm तक की एक्यूरेसी दे सकता है, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ओके, व्हाट डू यू हाउ डू यू कैलकुलेट द वेट ऑफ 12 mm लॉन्ग एंड 10 mm डायर स्टील ऑन साइट, ठीक है। 12 mm का स्टील है जिसकी 12 मीटर का लंबा स्टील है जिसका डायमीटर 10 mm है, उसका हम कैसे वेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वेट कैलकुलेट सिंपल है, मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ स्टील बार विथ यूनिट वेट, ठीक है। मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ स्टील बार विथ यूनिट वेट, मतलब यूनिट वेट आपको पता है, यूनिट वेट कैसे फाइंड करना है, डी स्क्वायर अपॉन 162 करेंगे तो यूनिट वेट मिलेगा। यूनिट वेट का मतलब क्या है, 1 मीटर 10 mm का 1 मीटर बार का वेट कितना है, तो 10 मीटर का जो यूनिट 10 mm का जो बार है उसका यूनिट वेट 0.60 kg/m है, तो वेट ऑफ स्टील बार कितना आ जाएगा 7.2 kg, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर देना है। आगे बढ़ते, विच इक्वेशन यूज फॉर कैलकुलेटिंग द यूनिट वेट ऑफ स्टील बार, यूनिट वेट ऑफ स्टील बार यूज करने कैलकुलेट करने कौन सा इक्वेशन यूज होता है, तो डी स्केयर अपन 162.2 ये इक्वेशन यूज होता है। वहां पे देखिए डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वेट ऑफ किलोग्राम पर मीटर, ठीक है, केजी पर मीटर, डी क्या है डायमीटर ऑफ स्टील बार mm, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द साइज ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब, कॉन्क्रीट क्यूब जो देखिए जो कॉन्क्रीट कास्टिंग होती है, ठीक है, उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक करने लिए कॉन्क्रीट क्यूब कास्ट किए जाते हैं, उसके बाद उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं, वो कॉन्क्रीट क्यूब की साइज क्या होती है, तो 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm की उसकी साइज होती है जो कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए यूज होती है। उसके बाद है व्हाट डू यू इफ एनी कॉन्क्रीट क्यूब फेल्स इन 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कॉन्क्रीट जो क्यूब है अगर वो फेल हो जाता है 28 दिन के स्टेज में तो क्या करेंगे, इफ कॉन्क्रीट क्यूब फेल्स इन 28 डेज कॉम्प्रेसिव स्टेज द स्ट्रक्चर क्वालिटी इज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, मतलब वो थोड़ा मतलब क्वेश्चन में आ जाएगी स्ट्रक्चर की क्वालिटी, फर्दर टेस्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ फेलियर कॉन्क्रीट में बी रिमूव एंड रिप्लेस, मतलब अगर फेलियर ज्यादा हो कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ कमजोर हुई तो हमें कॉन्क्रीट रिमूव करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर डिसमिसल करना पड़ेगा और बाकी के रेमेडीज मेजर लेने पड़ेंगे, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आप दे सकते हो। उसके बाद व्हाट इज द मिक्स रेशियो फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर हम बनाना है तो उसके लिए मिक्स रेशियो क्या होगा, तो मिक्स रेशियो फॉर M20 ग्रेड कॉन्क्रीट इज 1:1.5:3, इसमें 1 क्या होता है सीमेंट, 1.5 क्या होता है सैंड और 3 क्या होता है एग्रीगेट, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट बाय वॉल्यूम मिक्सिंग द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एम्पा फॉर 28 कॉन्क्रीट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, मतलब 28 दिन में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 20 आती है, आपको इस तरह से उसको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका मिक्स रेशियो होता है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट तीनों को इस रेशियो में मिक्स करने से हमें M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पहला देखिए कॉन्क्रीटिंग, मेसनरी वर्क, प्लास्टर वर्क, फ्लोरिंग वर्क होता है, फॉर्म वर्क वर्क होता है, स्टील बार कटिंग बेंडिंग, प्लम्बिंग वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल और फर्नीचर वर्क, ऐसे सारे जो है आंसर आप इसके अंदर दे सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ 12 mm बार स्टील, 12 mm बार स्टील का यूनिट वेट क्या है, यूनिट ऑफ 12 mm स्टील बार डिपेंड ऑन दी, देखिए उसका जो 12 mm बार है वो कितना होता है 0.89 kg/m,
अगर आपको ये फाइंड करना हो, ठीक है, आपको देखिए 10 से 8 से लेके 20 तक का जो है यूनिट वेट आपको याद करने जगना, अगर नहीं पता तो मैं मेरे वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने सारे जो बार है उनका यूनिट वेट दिया है। तो 12 mm बार का 0.89 kg/m होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, तो 7850 kg/m³ या 0.284 lb इन इंच स्क्वायर, ठीक है। आपको यही आंसर देना है, 7850 kg/m³ जो है स्टील की डेंसिटी होती है जो हम यूज करते हैं। उसके बाद Fe500, इसने Fe500 ग्रेड स्टील, Fe415 स्टील ग्रेड, 415 इंडिकेट व्हाट टॉप स्टील, मतलब 415 क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए Fe415 स्टील ग्रेड में, 415 स्टील ग्रेड में 415 मिनिमम इल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मतलब इतनी स्ट्रेंथ जो है स्टील की होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, ये इंडिकेटर करता है, ठीक है। हायर द इल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल द मटेरियल, जितनी ज्यादा इल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टील अच्छा होगा, ड्यूरेबल होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसके अंदर बोलना है। उसके बाद व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 50 kg बैग ऑफ सीमेंट, 50 kg जो बैग आती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो 50 kg जो बैग आती है उसका वॉल्यूम होता है 0.035 m³ या फिर 35 L, ठीक है। इस ये आप दो आंसर आपको देना है, ठीक है। इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर विथ, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में स्टेयर विथ कितनी होती है, तो 36 to 38 inches की करीबन स्टेयर विथ होती है या फिर 91 to 122 cm की करीब स्टेयर विथ होती है, वो आपको यहाँ पे बोलना है। स्लोप ऑफ स्टेयर शुड नॉट एग्जिस्ट, जो स्टेयर का स्लोप है वो किससे ज्यादा नहीं, 50 डिग्री से ज्यादा नहीं होना है, 2 m² से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील इन कॉलम, देखिए कॉलम में मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील कौन सा यूज करना चाहिए, तो 12 mm मिनिमम है सर, ठीक है। 12 mm से कम वाला डायमीटर स्टील हमारे कॉलम में यूज नहीं करना है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितनी है, तो 9 inches by 4.5 inches by 3 inch, ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक है, अगर आप सेंटीमीटर एमएम में देखें तो ये वाली है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, आरसीसी का यूनिट वेट 23 to 25 kg/m³ का होता है, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2300 से 2500 kg/m के करीब होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 acre इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट, 1 acre बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है, तो करीबन 43,560 square feet होता है, इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। और 1 acre अश्व इक्वल टू 4,046.86 square meter के करीब होता है, ठीक है। तो 1 acre 43,460 square feet होता है, और मीटर में अगर पूछा जाए तो 4,046.86 square meter होता है उसको, और हेक्टर में करें तो 4,047 और स्क्वायर माइल में करें तो 0.001.156, ये आप आंसर इसमें देंगे तो आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएम, यूटीएम का फुल फॉर्म क्या है, यूटीएम स्टैंड फॉर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जो स्टील है वो कैलकुलेट करने के लिए, इलोंगेशन कैलकुलेट करने के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है लेबोरेटरी में, ठीक है, ये आपको आंसर देना है। व्हाट इज सीमेंट एक्सपायर आफ्टर, ठीक है, सीमेंट देखिए ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के बाद, देखिए 3 to 6 month के बाद दोस्तों इसका एक्सपायरी हो जाती है, वो फिर इतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर नहीं होती है। 1 m² इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट, 1 m² बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है, तो 1 m² बराबर 10.7639 square feet होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ 25 mm स्टील बार, यूनिट वेट कितना है 25 mm स्टील बार का, तो आपको देना 3.85 kg/m। 1 hectare बराबर कितना एकर होता है, तो 1 hectare बराबर 2.47105 acre होता है, ठीक है, 1 hectare बराबर 2.47105 acre होता है। 1 gallon बराबर कितना लीटर होता है, तो 1 gallon इज इक्वल टू 3.785 liter, 1 gallon इज इक्वल टू 3.785 liter, ठीक है। उसके बाद 1 kN इज इक्वल टू कितना किलोग्राम होता है, 1 kN बराबर कितना किलोमीटर, 1 kN बराबर 101.97 किलोग्राम होता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। 1 ton इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, 1 ton बराबर कितना किलोग्राम होता है, 1 ton बराबर 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है, 1 ton बराबर क्या होता है, 1000 किलोग्राम होता है। उसके बाद मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट अलग, देखिए कॉन्क्रीट को कितना फ्री फॉल मतलब कितनी हाइट से फेंका जाए तो वो कॉन्क्रीट जो है वो डैमेज नहीं होगा, तो 1 to 2 meter की हाइट पर से फेंका जाए तो वो कॉन्क्रीट में डैमेज नहीं होगा, अगर इससे ज्यादा हाइट होगी तो क्या होगा, कंक्रीट में सेग्रीगेशन हो जाएगा, सारे मटेरियल्स अलग पड़ जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा, सैंड अलग 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 हो जाएगी, एग्रीगेट अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लेवल वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहे हो, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे लेवल वर्क के लिए,
तो देखिए लेवल वर्क के लिए जो स्पिरिट लेवल यूज होता है, उसके बाद डंपी लेवल, डिजिटल लेवल, लेजर लेवल, ऐसे सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेवल वर्क के लिए यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। मिनिमम बार्स इन सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम में मिनिमम कितने बार होने चाहिए, तो 6 नंबर ऑफ बार्स होने चाहिए, ठीक है। और रेक्टेंगल में मिनिमम 4 होने चाहिए और सर्कुलर में 6 बार्स होने चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसी? एएसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट, ठीक है। ऑटोक्लेव और एरेटेड कंक्रीट जो अभी ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं, ठीक है। ब्रिक का अल्टरनेटिव है, जिसका वेट कम होता है, स्ट्रक्चर का जो लोड है वो कम करने के लिए अभी ये जो ब्लॉक है बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म एनडीटी? एनडीटी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, रिबाउंड हैमर है, ये सारे जो टेस्ट आते हैं वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आते हैं, ठीक है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जेसीबी? जेसीबी का फुल फॉर्म जोसेफ कार्लिन बैम्फोर्ड, ठीक है। जोसेफ कार्लिन बैम्फोर्ड जो है ये जेसीबी का फुल फॉर्म है, जेसीबी का, ठीक है। हम लोग जेसीबी बोलते हैं, बाकी उसका नाम ये है उसका फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद है विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल? सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है? तो उसका नाम है प्लेट लो स्टेट अथवा प्लेट बेरिंग टेस्ट। ये जो है, ये जो टेस्ट है वो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद रिंग एंड बोल्ट टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन विच कंस्ट्रक्शन मटेरियल? रिंग एंड बोल्ट टेस्ट जो है वो कौन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे के लिए यूज होता है? तो रिंग ऑन बॉल टेस्ट जो है वो बिट्यूमिन जो है मटेरियल है उसके लिए टेस्ट होता है, ठीक है, उसकी सॉफ्टनिंग टेस्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे और डिटेल में आपको पूछा जाएगा कि वो रिंग एंड बॉल टेस्ट बिट्यूमिन के लिए यूज होता है, पर वो बिट्यूमिन का क्या मेजर करता है? तो वो सॉफ्टनिंग पॉइंट मेजर करता है बिट्यूमिन का, बिट्यूमिन मटेरियल का सॉफ्टनिंग पॉइंट मेजर करने के लिए हमें रिंग और बॉल टेस्ट जो है वो जनरली यूज होता है। मिनिमम हुक लेंथ एज पर आईएस कोड, जो स्टील में अगर ये देखिए ऐसी जो हुक लेंथ होती है ना, ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम आईसीओ 90 डिग्री बेंड है, तो मिनिमम देखिए 9 टाइम्स होनी चाहिए, मतलब 9D होनी चाहिए, जिसके D क्या होता है? डायमीटर ऑफ स्टील होता है, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है। व्हाट इज द एक्स्ट्रा लेंथ इन बेंट अप बार? बेंट अप बार के अंदर देखिए, ऐसा अगर बेंट अप बार है तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये वाली, ठीक है, वो कितनी होती है? तो वो जनरली देखिए 45X होती है, ठीक है। 45X होती है, कितनी होती है? 45X, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। 45 × X, X क्या होता है? एक्स होता है ये जो स्टील है, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये एक्स होता है, और 45X उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ डंपी लेवल? डंपी लेवल का लिस्ट काउंट कितना है? 5 mm, ठीक है। मिनिमम वो कितना रीडिंग ले सकता है? 5 mm तक का। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईजीएल? ईजीएल मतलब एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, ठीक है। ईजीएल का फुल फॉर्म है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, जनरली ड्रॉइंग वगैरह में ये आपको देखने को मिलेगा, तो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल उसका फुल फॉर्म है। उसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड एब्जॉर्ब मोर देन, शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन। देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक 20% से ज्यादा जो है वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, उसकी जो टोटल वेट है उसका 20% से ज्यादा उससे वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, तभी वो अच्छी ब्रिक मानी जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक, में 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स लगेंगी? तो 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स लगती है। ब्रिक की साइज लेनी है 19 mm, 190 mm बाय 90 mm बाय 90 mm, ठीक है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट की कंसिस्टेंसी कितनी होती है? 26 से 33, ठीक है। 26 to 33% जो है वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है किसी भी सीमेंट की, या फिर ओपीसी सीमेंट की आप बोल सकते हो, ठीक है। ये इतनी नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है। उसके बाद एक्सपेंशन इन पोर्टलैंड सीमेंट इज टेस्टेड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? एक्सपेंशन टेस्ट करने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो ली चैटलियर एपरेटस, ठीक है। ली चैटलियर एपरेटस जो है ये यूज होता है एक्सपेंशन टेस्ट करने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट का। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आईएस कोड फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अचीव्ड आफ्टर, मतलब देखिए एज पर आईएस 456-200 दी 28 दिन के बाद जनरली सीमेंट की जो है कंक्रीट की जो है 99.9% जो है स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको देना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट? 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना है? 0.035 m³, ठीक है। उसके बाद मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज फॉर आरसीसी, आरसी के लिए कौन सा मिनिमम ग्रेड होगा? तो M20 ग्रेड मिनिमम यूज होना चाहिए एज पर आईएस 456-200, ठीक है। आरसीसी वर्क के लिए मिनिमम M20 ग्रेड का ही कॉन्क्रीट का यूज होना चाहिए। सीमेंट एक्सपायर आपका 3 मंथ, जो मैंने आगे बता दिया था आपको, ठीक है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीपीआर? देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीपीआर मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। डीटीएल का फुल फॉर्म क्या है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डीटीआर इज एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, हेल्प्स
होल्डर टू इवेल्युएट फिजिबिलिटी वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है, डीपीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे तो इसका फुल फॉर्म और इसका पर्पस आप देख के जाना। ठीक है, ये जो पूरा पीडीएफ है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप कुछ डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सिनेमैन? ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट तक होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट, मतलब 10 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजर इन प्रोजेक्ट? ठीक है, ये रहा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पढ़ के जानी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग द प्रोजेक्ट, शेड्यूल, बजट, कोऑर्डिनेटिंग, मैनेजिंग रिसोर्स इंक्लूडिंग लेबर, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, एंश्योरिंग द कंप्लायंस विद द बिल्डिंग आईएस कोड, सेफ्टी रेगुलेशन, हायरिंग, मैनेजिंग द सब कॉन्ट्रैक्टर, अदर प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, ये सारे डिटेल है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर वर्कर ऑन द कंस्ट्रक्शन लाइन? कौन से रिस्क फैक्टर होंगे? रिस्क टू फॉल फ्रॉम हाइट, फेलियर ऑफ स्कैफोल्ड एंड ट्रेंच, चेंज इलेक्ट्रिक शॉक एंड आर्क ब्लास्ट एंड मोशन इंजरीज। ठीक है, ये सारी इंजरीज हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड होता है आप कौन सी कंपनी में किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप किसी सेफ्टी एजेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो जो सेफ्टी प्रोवाइड करती है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट हाइब्रिड फाउंडेशन? हाइब्रिड फाउंडेशन क्या है? हाइब्रिड फाउंडेशन टाइप ऑफ फाउंडेशन कंबाइंड टू और मोर टाइप ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, और प्रोवाइड डिजायर लेवल ऑफ सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर। दो और दो से ज्यादा फाउंडेशन का सिस्टम को मिक्स करके जो फाउंडेशन बनाया जाता है उसे हाइब्रिड फाउंडेशन कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। व्हाट इज द डिफरेंट वे ऑफ डिमोलिशन? डिमोलिशन करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो हाइड्रो डिमोलिशन, डिसमेंटलिंग, प्रेशर ब्रस्टिंग। ठीक है, इस तरह के जो डिमोलिशन प्रोसेस है वो यूज किए जाते हैं। एक्सप्लेन द फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन। फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन क्या है? ऑल्सो नोन एज अ देखिए फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन ऑल्सो नोन एज अ मोनोलिथिक स्लैब फाउंडेशन टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज इन कंस्ट्रक्शन वेर कॉन्क्रीट स्लैब इज पुटेड डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड फ्लोर एनी सेपरेट विदाउट एनी सेपरेट फ्लोरिंग। ठीक है, देखिए फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन डायरेक्टली ग्राउंड पे बनाए जाते हैं, जो इंडिया में नहीं है पर फॉरन, यूके, कैनेडा जैसी कंट्री में ये जो फाउंडेशन है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, कॉमनली यूज फॉर अ शेड, गैरेज एंड स्मॉल हाउसेस के लिए ये से फाउंडेशन जो है जनरली यूज किए जाते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज फ्लैशिंग? फ्लैशिंग क्या है? तो फ्लैशिंग इज कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग एट द जॉइंट वेर डिफरेंट मटेरियल मीट सच एज रूफ, वॉल, चिमनी। ठीक है, वहां पे ये फ्लैशिंग टेक्निक यूज किए जाते हैं। इन्वॉल्व द इंस्टॉल इन दी थीन इंपरवियस मटेरियल सच एज मेटल, प्लास्टिक ओवर द जॉइंट टू क्रिएट द बैरियर एंड रीडायरेक्ट टू वाटर फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, मेटल प्लास्टिक यूज करके वहां पे ज्वाइंट पे लगाए जाते हैं जिससे वाटर जो है एंटर ना कर सके। ठीक है, व्हाट आर द आइडियल साइज ऑफ लिविंग रूम रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज? ठीक है, वेरी स्मॉल के लिए 7x10 का, उसके बाद स्मॉल के लिए 10x13 फीट का, मीडियम के लिए 12x18 का, लार्ज के लिए 15x20 का। इस तरह से लिविंग रूम की साइज यहाँ पे आपको लेनी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट? M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या है? ये 25 है, उसकी स्ट्रेंथ है 28 डेज के अंदर, इसकी जो स्ट्रेंथ है 25 न्यूटन पर एम एस स्क्वायर जो है वो आनी चाहिए। ये 28 दिन की स्ट्रेंथ है। ठीक है, और देखिए व्हाट इज द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल? बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या है? दी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन सॉइल सपोर्ट विदाउट एक्सपीरियंस एसेसिव सेटलमेंट एंड फेलियर। मतलब सॉइल जो मैक्सिमम लोड बेयर कर सकती है विदाउट एसेसिव सेटलमेंट एंड फेलियर, उसे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय हनी कॉम्बिंग इन कॉन्क्रीट? हनी कॉम्बिंग क्या है कॉन्क्रीट के अंदर? ठीक है, कॉन्क्रीट प्योर होने के बाद जो उसके अंदर वॉइड्स रह जाते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट के अंदर वॉइड्स रह जाते हैं जब हम लोग उसको शटरिंग प्लेट रिमूव करते हैं, तो वो जो वॉइड्स रहते हैं कॉन्क्रीट के अंदर उसे हनी कॉम्बिंग कहा जाता है। व्हाट द फील्ड टेस्ट आर नेसेसरी फॉर कॉलिंग? फील्ड टेस्ट कौन कौन से जरूरी है फील्ड टेस्ट सीमेंट के लिए? तो देखिए फील्ड टेस्ट में आता है इट शुड बी ऑन लुकिंग सीमेंट शुड हैव ग्रे कलर एंड लाइट एंड ग्रे शेड, इट शुड बी फील स्मूथ व्हेन रबेड बिटवीन द फिंगर्स, व्हेन पिंच ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इन वाटर वाटर शुड फ्लोट फॉर सम टाइम। ठीक है, ये मतलब अगर पानी थोड़ा सा आप सीमेंट को पानी पे डालेंगे वो फ्लोट करना चाहिए, फिंगर में अगर रब करें तो वो स्मूथ लगना चाहिए। सीमेंट शुड बी लम फ्री, जिसके अंदर जो लम्स होते हैं वो फ्री होने चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं होने चाहिए। टाइप्स ऑफ सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, लोहिट सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, कलरेट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट, ऐसे सारे सीमेंट जो है टाइप होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर सीमेंट रेशियो? हाउ इट रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट? वाटर सीमेंट रेशियो क्या है? ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है? वाटर और सीमेंट का जो रेशियो है, मतलब हम लोग जो कॉन्क्रीट बनाते हैं उसके अंदर सीमेंट और वाटर कितना है, उसका प्रपोर्शन क्या है, दैट इज वाटर सीमेंट रेशियो। अगर वर्क देखिए
वाटर सीमेंट रेशियो इज द वेथ ऑफ वाटर टू द वेथ ऑफ सीमेंट, मतलब कितना पानी है डिवाइडेड बाय कितना सीमेंट है, उसका जो रेशियो होता है वो से वाटर सीमेंट रेशियो कहा जाता है। एंड शो द हाईएस्ट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बट डिफिकल्ट फॉर लो वर्कएबिलिटी कॉन्क्रीट। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो जितना ज्यादा होगा ठीक है उतना जो है वर्कएबिलिटी अच्छी होगी, वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम होगा उतनी वर्कएबिलिटी कम होगी, राइट। इस तरह से आप देख सकते हो, तो अच्छा वाला वाटर सीमेंट रेशियो से वर्केबिलिटी भी अच्छी रहती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। लिस्ट ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन कॉन्क्रीट प्योरिंग, कॉन्क्रीट प्योरिंग में बैचिंग एंड बैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग, ये जो सारे स्टेप है वो इन्वॉल्व होते हैं कॉन्क्रीटिंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। मिनिमम स्लम कितना होना चाहिए, 75 to 125 mm। व्हाट इज रेंज फॉर बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के लिए बेरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 30 to 35 kg per cm square। व्हाट रिकमेंडेड स्टैंडर्ड फॉर टैंपिंग रोड यूज्ड इन क्यूब फिलिंग फॉर क्यूपिटे, कौन से टैंपिंग डायमीटर का टैंपिंग रोड यूज होना चाहिए जब हम कॉन्क्रीट फिट के लिए, तो 16 mm का होना चाहिए। एक्सलेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग, कॉलम का फंक्शन क्या है, सपोर्ट स्ट्रक्चरल लोड एंड ट्रांसफर इट थ्रू टू बीम टू द फाउंडेशन, ठीक है ये कॉलम का फंक्शन है, ठीक है मतलब क्या है, कॉलम स्ट्रक्चरल लोड को फाउंडेशन तक ट्रांसफर करता है। और व्हाट डू यू वी कॉल द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस द विथ, उसे बैट कहा जाए, विथ से ब्रिक को आधा कट करेंगे तो उसको बैट कहा जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन क्यू एंड क्यू सी, क्यू एंड क्यू सी, देखिए क्यू ए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्यू सी मतलब क्वालिटी कंट्रोल, राइट। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्या है, प्रोसेस है कि भाई हमें क्वालिटी सही मिल रही है, उसके एश्योरिटी के लिए जो प्रोसेस की जाती है दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल होता है। लिस्ट डाउन द रेशियो फॉर कॉन्क्रीट, देखिए यहाँ पे रेशियो है, ये सारे रेशियो आपको याद करके जाने होंगे कि M25, M7.5, M10, M15 के लिए कौन कौन सा रेशियो है, ये सारी चीजें M25 तक आप याद कर सकती है, बाकी सारे लोगों की मिक्स डिजाइन होती है M30 के ऊपर, जनरली M25 की भी मिक्स डिजाइन होती है पर रेशियो यहाँ पे ये लिया जा सकता है। लेंथ ऑफ इच फिश प्लेट इज 2 mm, ठीक है फिश प्लेट की जो विथ होती है वो कितनी होती है, 475.2 mm होती है। उसके बाद एक्सप्लेन द साउंडनेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट की साउंडनेस क्या है, देखिए साउंडनेस क्या है, जब देखिए सीमेंट जब हमें उसकी लिक्विड हम जब उसमें पानी डालते हैं उसके बाद जो उसके अंदर एक्सपेंशन आता है ठीक है वो साउंडनेस होता है, ठीक है एक्सपांड होता है वो साउंडनेस होता है, कितना एक्सपांड हो रहा है सीमेंट उसे साउंडनेस कहा जाता है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ गैप इन रोड एंड ऑन द ब्रिज, देखिए रोड और ब्रिज में आपने गैप देखेंगे उसका पर्पज क्या है, तो उसका पर्पज है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन जो, ठीक है अगर रोड में देखिए ठंड भी आती है, विंटर सीजन भी होता है, गर्मी के सीजन में क्या होता है कंक्रीट एक्सपांड होता है, तो एक्सपांड होगा तो क्या होगा, अगर उससे जगह नहीं होगी एक्सपेंशन के लिए वो क्रैक होगा, इसलिए एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी ये जो PDF है इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप ये सारी डिटेल पढ़ सकते हो, ठीक है यहाँ पे देखिए डाउनलोड का भी ऑप्शन है, ये पूरी PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को सिविक कॉन्सेप्ट को।